नमस्कार दोस्तों, गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको सिटी 100, प्लेटिना, बॉक्सर, इन सारी गाड़ियों जो दोस्तों रहती है पुरानी, उनमें गियरबॉक्स कैसे फिट किया जाता है वो बताने वाला हूँ। और इसके बाद दोस्तों तुरंत ही हम पूरा इंजन कैसे असेंबल करते उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो इंजन का पूरा सामान यहाँ पर आ चुका है और इसके अंदर पूरी सिलेंडर किट जो रहती है दोस्तों वो हम इंस्टॉल करने वाले हैं। पूरी सिलेंडर किट मतलब ये पूरा इंजन बनाने वाले हैं और इंजन के अंदर क्या क्या नया डालना है वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो इसके बाद का जो दोस्तों वीडियो रहेगा जिसके अंदर मैं सारी डिटेल्स दूंगा। तो अभी फिलहाल गियरबॉक्स कैसे बिठाना है उसके ऊपर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी इनपुट शाफ्ट है मतलब क्लच वाली, और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है मतलब टॉप गियर का जो मतलब चैन की जो स्पॉकेट लगती है छोटा स्पॉकेट वो शाफ्ट है, ठीक है। तो अभी इनमें गियरबॉक्स कैसे बिठा दे उसकी जानकारी मैं दूंगा, कौन सा चक्कर कहाँ पे और कैसे वर्क करता है वो सारी जानकारी इसमें कवर करके दूंगा, ठीक। और गाड़ी पे इंस्टॉल करेंगे मतलब चैम्बर पे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। ओके गाइस, तो ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है और यहाँ पर मतलब ये चक्कर देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। और इसके बाद दोस्तों जो चक्कर आएगा ये वाला, और इसके अंदर अलग से खांचे दिए गए हैं मतलब ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें कैसे बिठाना है, तो इसको हमें दोस्तों इस तरह से बिठाना है, तो ये अंदर जाके लॉक कर देगा चक्कर को। देखो दोस्तों अभी ये घूमेगा तो इसको लेके घूमेगा पूरा, तो ये इसको लॉक कर देता है यहाँ पर। तो अगर ये जो गरारी रहती है ये पिनियन जो दोस्तों आपका ख़राब ना हो तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही खुल जाएगा। अगर ये ख़राब है तो यहाँ पे लॉक दिया गया होता है, तो ये लॉक खोल के आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दो पिनियन अंदर से लॉक किए गए होते हैं, तो इसके बाद दोस्तों हमारा ये पिनियन लगेगा इस तरह से और ये लॉक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब जब गियर हम चेंज करेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा, यहाँ इसको जकड़ के रखेगा और फिर घुमाएगा ये इसके साथ। तो इसके बाद ये दो पिनियन लॉक है, तो इसके बाद हमें ये पिनियन लगाना है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो बड़ा वाला चक्कर रहता है ये स्पॉकेट, तो ये लगाना है, ठीक। तो ये लगाओगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा गैप दी गई है, तो इसके अंदर इस तरह का बूश आता है, इस तरह के बुश को हमें यहाँ पे अंदर की साइड धकेल देना है ताकि ये रेडी हो गया। देखो दोस्तों ये भी फ्री है, और जब ये सिलेक्टर हमारा गियर चेंज करता है तो ये फ्री हो जाता है। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों इसका गियरबॉक्स समझने में। और ये गियरबॉक्स प्लेटिना, सिटी 100, बॉक्सर जो गाड़ियाँ रहती थी इनमें आता था। तो इसको इस तरह से ये हमारा आउटपुट शॉप जो रहती है दोस्तों ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी दोस्तों बात करते हैं तो इनपुट शॉप की, तो इनपुट शॉप कैसे काम करती है, ठीक वैसे ही दोस्तों ये हमारी इनपुट शॉप है मतलब क्लच वाली शॉप है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पिनियन जो हमारी शॉप रहती है उसके ऊपर बना रहता है और दूसरा पिनियन यहाँ पर लॉक दिया गया होता है, तो उसके साथ पकड़ के रखता है मतलब ये बाहर नहीं आता। तो इसके अंदर दोस्तों हमें सबसे पहले ये पिनियन जो रहता है इसको अंदर की साइड यहाँ पे इस तरह से लॉक करना है। तो ये तीन पिनियन हो गए दोस्तों, टोटल चार गियर आते हैं, तो इनमें से तीन हो गए और ये हमारा, ठीक है, ऊपर वाला। तो इसको इस तरह से बिठाना है यहाँ पे, ये भी फ्री है देख सकते हैं दोस्तों, और ये भी फ्री है, तो ये इस तरह से लगेगा और ये जब ऊपर आएगा तो इसको लॉक कर देगा, तो ये घूमेगा नहीं, ठीक है। जब ये घूमेगा तो इसको लेके घूमेगा पूरी शाफ्ट को, इसलिए यहाँ पे अलग से खांचे दिए गए होते हैं जो शाफ्ट को घुमाने के लिए काम आते हैं। तो इस तरह से ये लगेगा, इसके ऊपर ये लगेगा, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा तो नीचे वाले चक्कर को घुमाएगा तो शाफ्ट घूमेगी, ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला चक्कर घूमेगा, मतलब ये ऐसे काम करता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक वॉशर आएगा। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जब ये प्लेटिना, सिटी 100, बॉक्सर, इन सारी गाड़ियों में जो दोस्तों गियरबॉक्स रहता है बहुत इजी रहता है। अगर आप स्प्लेंडर का देखने जाओगे
या आप कोई और गाड़ी का देखने जाओगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि उसके अंदर वॉशर ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन इन सारी गाड़ियों में दोस्तों जो सिस्टम रहता है बहुत ही आसान रहता है। तो अभी इस तरह से लगेगा ये गियर बॉक्स हमारा। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो गियर सिलेक्टर रहता है हमारा ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, मैंने निकाला ही नहीं था ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने इस तरह से इसको खोला है। तो भी गियर सिलेक्टर हमारा मतलब पूरा चैम्बर अच्छे से क्लीन है, दोनों को ऐसे पकड़ के हमें बिठाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बिठाना है। और बाद में जो इसकी गियर फोर्क रहते हैं उसको लगाना है। तो ये हमारे गियर फोर्क है दोस्तों, और इनमें से आप देख सकते हैं एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है ठीक है। तो जो बड़ा वाला रहता है वो आउटपुट शाफ्ट रहती है उसका होता है, जो छोटा वाला होता है इनपुट शाफ्ट का होता है। तो एक बार मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ किस तरह से लगता है। दोस्तों इस तरह से ये हमारी इस तरह से लगेगी, मतलब ये क्लच वाला पोर्शन है वो अंदर की साइड जाएगा, ये बाहर वाला पोर्शन ऊपर की साइड रहेगा। तो इस तरह से हमें दोनों को आपस में मिला देना है बिल्कुल इस तरह से ठीक है। और यहाँ से इसको इस तरह से सेट कर देना है। दोस्तों ये बिल्कुल लग चुका है। अब जो दोस्तों गियर फोर्क रहते हैं हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटी वाली ये बड़ी वाली है, तो दोनों की पिन को हम निकाल देंगे इस तरह से। ये फोर्क पिन रहती है, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला रहता है दोस्तों उसको यहाँ पे मतलब यहाँ पे बीच में जो जगह दी गई होती है इसके अंदर ये बैठेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बीच में आपको होल दिख रहा होगा जिसके अंदर ये पिन जो डॉयल रहती है वो हमारी लॉक हो जाती है यहाँ के अंदर। तो हमें इस तरह से जो फोर्क रहता है ऊपर का पोर्शन जो रहता है पहले किसी में उसके अंदर दोस्तों हमें इस फोर्क को बिठाना है ऐसे ठीक है। और जो दूसरी किसी रहती है यहाँ पे नीचे वाली फोर्क के अंदर उसमें हमें इस पिन को बिठाना है। ऐसे तो अभी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर भी होल मिल गया है और इसके अंदर भी होल मिल गया है। तो हमें जो दोनों पिन रहती है आप कहीं पे भी कौन से भी लगा सकते हैं। तो इसको अच्छे से पेपर लगा देना है एक बार और ऊपर ऑयल लगा के इस दोनों में पिन बिठा देना है और यहाँ पे भी ऑयल लगाना है। ठीक है गाइस, तो ये गियर बॉक्स बिठ गया है। अभी मैं आपको थोड़ा नज़दीक से और जानकारी दे देता हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें गाड़ी न्यूट्रल में है नहीं है वो कैसे चेक करना है। तो जब दोस्तों हम जो आउटपुट शाफ्ट रहती है उसको घुमाते उसके साथ दोस्तों ये जो इनपुट शाफ्ट की शाफ्ट रहती है वो घूमनी नहीं चाहिए, सिर्फ चक्कर घूमे के चलेगा। तो एक बार मैं इसको पकड़ूंगा और आउटपुट शाफ्ट को घुमाऊँगा ठीक है। देखो दोस्तों अगर गाड़ी गियर में होगी दोस्तों तो ये हमारी जो आउटपुट शाफ्ट रहती है वो पकड़ेंगे फिर भी घूमेगी। एक बार मैं आपको गियर में डाल के दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों इस तरह से मतलब ये अभी गाड़ी गियर में आ चुकी है। तो जब भी आप गियर बॉक्स बिठाओ तो दोस्तों जो हमारा गियर फोर्क रहता है गियर फोर्क की पिनों में और सिलेक्टर के अंदर जो गरारी दी गई होती है उन सारी जगह पे अच्छे से लुब्रिकेट कर दीजिए ताकि ये स्मूथ रहे चलाते वक्त और जब बिठाए तो आसानी से बैठ जाए। और चक्कर सबसे पहले जब दोस्तों चालू कर दे गाड़ी गियर में डाल दे तो उस टाइम लुब्रिकेट रहे ठीक है। तो अभी ये गियर बॉक्स बिठ गया है और उसके बाद दोस्तों हम क्रैंक बिठाएंगे, लेकिन दोस्तों जो ये क्रैंक वाला पोर्शन है वो मैं आपको
पूरे इंजन जब बनाएंगे हम उस वीडियो के अंदर सारा कवर करने वाला हूँ। तो अभी फटाफट से ये गियरबॉक्स बैठ गया है, मैं यहाँ पे ऑयलिंग कर देता हूँ। और आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो यही था दोस्तों प्लेटिना C300 बॉक्सर, उन सारी गाड़ियों का दोस्तों गियरबॉक्स बहुत ही ईजी है समझने में। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।